हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्म फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द 13 प्राइम्स में से थर्ड प्राइम की, जो कि है अल्फा ट्रायन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायन की लाइफलाइन, हिस्ट्री और उनके ओरिजिन के बारे में। ट्रांसफॉर्मर्स की हर कंटिन्यूटी में ट्रायन का ओरिजिन डिफरेंट दिखाया गया है, तो हम ट्रांसफॉर्मर्स की ज़्यादातर और मेन कंटिन्यूटीज से ट्रायन के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फा ट्रायन के बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। दोस्तों, अल्फा ट्रायन साइबरट्रॉन के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रांसफॉर्मर्स में से एक थे। अल्फा ट्रायन का रोबोट कोड नेम A3 था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साइबरट्रॉन पर सबसे पहले एलियंस जो थे वह थे क्विंटेसेंस, जिन्होंने साइबरट्रॉनियंस का ट्रस्ट गेन करने के लिए उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी टीकॉक को एक्टिवेट किया था। साइबरट्रॉनियंस को क्विंटेसेंस से फ्रीडम दिलाने के लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें अल्फा ट्रायन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसके बाद जो आफ्टरवर्ड्स एरा आया था, उसमें अल्फा ट्रायन ने मोस्टली वर्ड्स में सिर्फ एडवाइजर का रोल ही प्ले किया था। इसके साथ वह ऑप्टिमस प्राइम, एलिटा वन, अल्ट्रा मैग्नस और यहाँ तक कि मेगाट्रॉन के मेंटोर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अल्फा ट्रायन के ओरिजिन की, वो भी जीवन कंटिन्यूटी से। दोस्तों, जीवन कंटिन्यूटी में अल्फा ट्रायन का ओरिजिन 11 मिलियन ईयर्स पुराना बताया गया है। यह बात उस टाइम की है जब वो A3 नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने कि क्विंटेसेंस के अगेंस्ट होने वाले रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। रिवोल्ट के कुछ सालों बाद सेंटिनल प्राइम ने अल्फा ट्रायन को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप पास की थी। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को गेन करने के बाद भी अल्फा ट्रायन ऑटोबॉट्स के लीडर नहीं बने थे। उन्होंने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को सिर्फ अपने पजेशन में रखा था और उन्होंने उसका कभी भी यूज़ नहीं किया, तब तक कि वह खुद एक ऑटोबॉट्स के नए लीडर को खुद से अपॉइंट ना कर सकें। कुछ टाइम बाद ही टाइम ट्रेवलर्स के ग्रुप ने अल्फा ट्रायन के पास एक यंग डाइंग रोबोट को भेजा था, जिसका नाम था ओरियन पैक्स, और उसी के साथ एक फीमेल रोबोट को भी भेजा था, जिसका नाम था एरियल। अल्फा ट्रायन ने ओरियन और एरियल दोनों को रीबिल्ड किया और ओरियन को ऑप्टिमस प्राइम के रूप में ऑटोबॉट्स का लीडर बनाया और एरियल को एलिटा वन का नाम देकर उन्हें फीमेल ऑटोबॉट लीडर अपॉइंट किया था। दोस्तों, जीवन कंटिन्यूटी से अल्फा ट्रायन के ओरिजिन के बारे में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे ड्रीमवेव जनरेशन 1 कंटिन्यूटी से। ड्रीमवेव कंटिन्यूटी में प्राइमस और यूनिक्रॉन के एटर्नल फाइट के बाद प्राइमस ने साइबरट्रॉन को यूनिक्रॉन से बचाने के लिए वो एटर्नल स्लीप के पीरियड में एंटर कर चुके थे। उसके बाद अल्फा ट्रायन ने ट्रांसफॉर्मर्स रेस की सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। इस सब के बाद भी साइबरट्रॉन को नोमैडिक एलियन रेस, जो कि क्विंटेसेंस थे, उन्होंने कॉन्कर कर लिया था और अल्फा ट्रायन को मजबूरी में उनसे बचने के लिए और साथ ही एक नए प्लान के साथ आने के लिए उन्हें उनसे छुपना पड़ा था। इसी पीरियड में क्विंटेसेंस ने थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में ट्रांसफॉर्मर्स को मार दिया था। दोस्तों, अल्फा ट्रायन को सुपर कंप्यूटर वेक्टर सिग्मा का भी केयरटेकर बनाया गया था। ट्रायन के अकॉर्डिंग वेक्टर सिग्मा का यूज सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स के लिए था, इसके वजह से उन्होंने खुद काउंसिल ऑफ एंशिएंट्स को भी अपोज किया था। ट्रायन ने नेक्स्ट प्राइम के लिए ऑप्टिमस प्राइम और अल्ट्रा मैग्नस को कंसीडर किया था। अल्फा ट्रायन ने अपने आखिरी दिनों में साइबरट्रॉन और ट्रांसफॉर्मर्स को आने वाली किसी भी खतरे से बचाने के लिए उन्होंने पहले से ही काफ़ी सारी प्रिपरेशंस की थी। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अल्फा ट्रायन के ओरिजिन की, वो भी 2005 IDW कंटिन्यूटी से। दोस्तों, 2005 IDW कंटिन्यूटी में ट्रायन की लाइफलाइन को शुरुआत से एक्सप्लेन किया गया है। यूनिक्रॉन और प्राइमस की बैटल के बाद और नाइट्स ऑफ साइबरट्रॉन के साइबरट्रॉन से जाने के बाद अल्फा ट्रायन 13 प्राइम्स में से एक ट्राइब के लीडर बने थे। ट्रायन को क्रॉनिकलर और रिकॉर्ड कीपर के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा ट्रायन ने अपनी यूथ पीरियड में आर्टिफैक्ट्स के ऊपर स्टडी की थी, जो कि 13 प्राइम्स के लिए यूज़ करने के लिए बनाए गए थे। अल्फा ट्रायन ने एल्केमिस्ट प्राइम, वेक्टर प्राइम, सोलस प्राइम और नेक्सस प्राइम के साथ मिलकर क्रिस्टल सिटी को एस्टेब्लिश किया था। दोस्तों, इस सब के बाद जो सबसे पहली 13 प्राइम्स के बीच में वॉर हुई थी, जो कि थी साइबरट्रॉनियन फर्स्ट सिविल वॉर, उसका सबसे मेन कारण जो था वो थे मेगाट्रॉनस प्राइम और ओनिक्स प्राइम। फर्स्ट साइबरट्रॉनियन सिविल वॉर के बाद ज़्यादातर प्राइम्स की डेथ हो चुकी थी और कुछ प्राइम साइबरट्रॉन से भाग गए थे। लास्ट में सिर्फ अल्फा ट्रायन ही लास्ट प्राइम बचे थे, जो कि साइबरट्रॉन पर रुके हुए थे। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद ट्रायन ने खुद को साइबरट्रॉन से ओझल कर लिया और वह साइबरट्रॉन के फ्यूचर के लिए अंडर शेडोज वर्क करने लगे, और यहाँ तक कि अंडर शेडोज ही उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए ताकि साइबरट्रॉन के आने वाले भविष्य को बचाया जा सके। दोस्तों, लास्ट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्फा ट्रायन के ओरिजिन की वॉर फॉर साइबरट्रॉन ट्रायलॉजी से। दोस्तों, इस ट्रायलॉजी में अल्फा ट्रायन के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जो मेन इंसिडेंट्स उनके साथ हुए थे मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। वॉर फॉर साइबरट्रॉन ट्रायलॉजी में भी ट्रायन ने साइबरट्रॉन ऑपरेटर्स के अगेंस्ट रिबेल किया था और इस ट्रायलॉजी में उनके तीन स्टूडेंट्स को बताया गया है, मेगाट्रॉन, ऑप्टिमस प्राइम और अल्ट्रा मैग्नस। नेक्स्ट प्राइम के कैंडिडेट्स ट्रायन के तीनों स्टूडेंट्स थे, लेकिन मेगाट्रॉन को ट्रायन के मारने के बाद मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ने खुद ही
ऑप्टिमस को नेक्स्ट प्राइम का टाइटल इनहेरिट किया था और मैग्नस को ट्रायन की नॉलेज इनहेरिट हुई थी। दोस्तों आई होप इन सारी कंटिन्यूटीज से अल्फा ट्रायन के ओरिजिन को डिस्कस करने के बाद उनकी आपको हिस्ट्री और यहाँ तक की लाइफ लाइन कैसी हुई थी ये सब आपको पता चल चुका होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्राइम के साथ।